गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप एक एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करके टॉप टू टो जितने भी प्रॉब्लम्स है लाइक हेयर रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, फेस रिलेटेड, सारे प्रॉब्लम्स को आप कैसे दूर कर सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा जेल मिलते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन एलोवेरा जेल का कोई कलर नहीं है, कलरलेस होता है। सो प्योर एलोवेरा जेल आप इस्तेमाल करें, यही बेटर होगा। वाओ स्किन साइंस एलोवेरा जेल इज 99% प्योर और इस पर कोई पैराबेन नहीं है, कोई सिलिकॉन, मिनरल ऑयल, कलर, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस कुछ भी नहीं है। द बेस्ट पार्ट इज कि ये एलोवेरा जेल ऑल स्किन एंड हेयर टाइप्स के लिए है। मेन, विमेन, टीनेजर्स, एवरीवन कैन यूज दिस एलोवेरा जेल। ये मैं बहुत दिनों से, मतलब कई मंथ से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एंड आई एम गेटिंग बेनिफिटेड विद दिस। सो मुझे लगा कि इसके जो जो तरीके हैं इसे इस्तेमाल करने के, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप सबको हेल्प भी होगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये एलोवेरा जेल सेंसिटिव स्किन, एक्नी प्रोन स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये स्किन को इरिटेट नहीं करता और समर सीजन पर एलोवेरा जेल्स आर सेवियर्स। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक कॉटन बॉल में थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए, उससे अपने फेस को वाइप आउट कीजिए। एलोवेरा एक नेचुरल क्लेंजर है, तो आपके फेस पर जो भी डर्ट, मेकअप होंगे सारे रिमूव हो जाते हैं और ये फेस को इरिटेट नहीं करता। इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। एलोवेरा एक बहुत अच्छा प्राइमर है। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है तो प्राइमर अप्लाई करने से फेस और भी ड्राई हो जाती है, बहुत फ्लेकी हो जाता है मेकअप, तो आप एलोवेरा को एज अ प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हैं। समर सीजन में ऑयली स्किन पीपल के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फेस पर फाउंडेशन अप्लाई किया है एलोवेरा के बाद, और फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है और उसके बाद जो इफेक्ट है एकदम नेचुरल और फ्लॉलेस बेस मुझे मिलता है। प्योर एलोवेरा जेल एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, स्पेशली ऑयली स्किन के लिए। और समर सीजन में मॉइस्चराइजर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन स्किन को एलोवेरा बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करने के साथ साथ एक सूदिंग सा फ्रेशनेस देता है। एलोवेरा को आप एज हेयर मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो स्कैल्प पर इरिटेशन होता है और जो भी डर्ट होते हैं वो भी रिमूव हो जाता है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो भी वो ट्रीट करता है, और स्कैल्प पर अगर इचीनेस है, इरिटेशन है, तो वो भी रिमूव होता है। थोड़ा सा आप एलोवेरा को लेकर अपने स्कैल्प पर मसाज कीजिए एंड 10 मिनट रख के उसे शैम्पू कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी हेयर सॉफ्ट होने के साथ साथ स्कैल्प पूरा क्लीन होता है एंड इरिटेशन भी रिड्यूस हो जाता है। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल है और आँखों के चारों ओर रिंकल्स की प्रॉब्लम है, तो आप एलोवेरा जेल को एज एन आई क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप रात को सोने से पहले इसे थोड़ा सा लीजिए रिंग फिंगर पर और उसे मसाज कीजिए। सो इतने सारे एलोवेरा जेल के यूजेस देखकर अगर आप सबको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वाओ का ये एलोवेरा जेल आपको वाओ ऐप पर इजीली मिल जाएगा, वहां पर आप डिस्काउंट पर भी इसे परचेज कर सकते हैं। जितने भी लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी, जरूर चेक करना। सो आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बाय बाय।